गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे प्लेटें हैं, देखिए गाइस, मेरा भी पति आ रहे हैं और यहाँ पे आर्यन है। सो गाइस, अभी सुबह के 10:30 हो चुके हैं, तो हम और छोटे अभी निकलते हैं कहीं बाहर गांव का चांद से हिलने। तो मैं तमिल बोल दिया हूँ, समझ में नहीं आएगा इसको। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं बाहर में, घूम के आते हैं, साइकिल चलेंगे आज फिर से, छोटे साइकिल ड्राइविंग करेगा, मज़ा आएगा। पीछे मैं बैठूंगी और धूप काफ़ी रहेगा, तो फिर छोटे रेडी हो साइकिल चलाने के लिए? रेडी, मैं भी रेडी। मैं भी रेडी हूँ, कौन ले जा रहा है? आप ले जाएंगे। सो गाइस, चलते हैं। तो अपना राम प्यारी सामने में रेडी है। सरसों का पूरा गाइस रखा हुआ है काट के, तो चलते हैं गांव में घूम के आते हैं। सो गाइस, गेहूं का खेती पूरा हो चुका है काटने के लायक। तो ये है अपना गांव गाइस। छोटे हमारे हैवी ड्राइवर हैं। छोटे हमारे करामात दिखाते हुए गाइस काफ़ी ज़बरदस्त चलाते हैं, साइकिल के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो चल जाए, अभी हम लोग चलते हैं। अभी मैं ड्राइविंग करूँगा और ये गांव में से निकलेंगे, फिर ऐसे होते हुए पूरा फिर घर के लिए निकलते हैं। तो चलिए ड्राइविंग करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f-ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. तो ये है गाइस अपने गांव का रास्ता। अभी हम लोग बगल वाले गांव में घूम रहे थे, अभी अपने गांव पे आ चुके हैं। तो गाइस, ये है अपना भोले बाबा का मंदिर, हर हर शंभू, और ये है अपना बजरंग बली का। तो गाइस, ये दोनों मंदिर है यहाँ हमारे गांव का, जिसमें कि पूरा फंक्शन वगैरह पूजा वगैरह होता है, हम लोग काफ़ी मज़े करते हैं गाइस यहाँ पे। तो बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है अपना एक छोटा सा मंदिर गाइस, जो कि हम लोग के गाँव का ही है, और यहीं पे सारा पूजा वगैरह हम लोग करते हैं, सब लोग आते हैं यहीं पे, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। और फिर कोई फेस्टिवल वगैरह रहता है तो भी यहाँ पे पूरा सजाया जाता है अच्छे से, और यहीं पे हम लोग का डीजे वगैरह लगा के पूरा फंक्शन किया जाता है। सो गाइस, ये है अपने गांव का प्राइमरी स्कूल, मज़ा आता था खूब यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। और ये छोटा सा एक पोखरा है जो कि मंदिर का ही पोखरा है, बाकी कुछ ऐसा व्यू है मंदिर का बाहर से। ये है गाइस अपना पीपल का पेड़, जो कि काफ़ी शानदार है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना भी है गाइस, और यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness, I just wanna be you know where to find me, and if you're going hate,
फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, काफ़ी गर्मी है गाइस। अभी हम लोग गांव घूम के आ चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया और एक्सप्लोर किया गांव के बारे में, थोड़ा खेती को दिखाया हमने जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और इतना मज़ा आया गाइस। फिर देखते हैं आगे और करेंगे ऐसे ही एक्सप्लोर। तो गाइस अभी हम लोग गांव के आउटर में खड़े हैं और अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, और मार्केट में चलेंगे गाइस अपना फेवरेट लौंगलता खाने के लिए, जो कि हमारा और छोटे का काफ़ी फेवरेट है। तो चलते हैं अपना आराम, प्यारी से आए हम लोग, आज साइकिल से ही घूमेंगे, या साइकिल से गाइस आज एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब पूरा गाइस गेहूं का खेती है और वो सामने गन्ने का खेती है, और यहाँ पे आगे में गाइस एक नदी है जिस नदी में हम लोग लास्ट टाइम ब्लॉग किए थे होली वाला, तो काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। और ये है अरहर का खेती गाइस, जिसे तूर दाल भी कहते हैं। तो गाइस यही सब है गांव का, तो ज़बरदस्त सीन रहता है ये सब कुछ, काफ़ी मज़ा आता है गाइस। सो गाइस ये है अपना लौंगलता और छोटे का समोसा। तो छोटे कैसा लग रहा है समोसा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम भी खाते हैं लौंगलता और देखते हैं कैसा है। गाइस हमने अभी समोसा वमोसा खा लिया और समोसा लौंगलता हमने इसमें पैक भी करवा लिया है, तो घर पे चल के खाएंगे मज़े से, और एक एक यहाँ पे खा लिए हैं और चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं झांसी, झांसी पानी पूरी खाने के लिए। तो मैं और छोटे खाएंगे और भैया खिलाएंगे, काफ़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, तो देखते हैं गाइस टेस्ट कैसा है। ज़बरदस्त टेस्ट रहेगा तो बताते हैं गाइस, आप लोग यहाँ पे आइए, यही डगरा पे बनाते हैं भैया। इनका रेसिपी ऐसे ही है, अभी तो लास्ट में मिठा लिए ना, खा के बताओ कैसा टेस्ट कैसा है। सो गाइस शानदार लग रहा है। तो गाइस मैं भी देखता हूँ, ज़बरदस्त है गाइस, रिकमेंडेशन है सबको, आके खाएं भैया के यहाँ से, हसनपुर डगरा पे इनका लगता है ठेला, काफ़ी ज़बरदस्त बनाते हैं। ये ऐसे रहता है पानी पूरी। A few moments later. तो गाइज हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के लिए, मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है गाइज, आप लोग देख सकते हैं कितना आंधी और पानी दोनों आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग नदी के पास में पहुँच गए हैं, तो काफ़ी संभल के जाना होगा गाइज, बहुत ज़्यादा लग जाएगा पानी नहीं मिला। ले पकड़ है मोबाइल। सो गाइज ऊपर में देखिए कितनी चिड़िया सब इधर उधर दौड़ रही हैं, मौसम बहुत ख़तरनाक हुआ है गाइस, इतना तेज पीछे से आंधी चल रहा है कि साइकिल अपने आप ही चल रही है। हमें उतना चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, हवा का फोर्स काफ़ी ज़्यादा है पीछे से, और चारों तरफ माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है, और ऊपर में पूरा चिड़िया सब पता नहीं क्यों इतना उधम मचाई हुई है। फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी तेज आंधी भी आया हुआ था, तो चलिए चलते हैं अभी लौंगलता समोसा घर में दे देते हैं सबको जो पैक करा के लाए थे, फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी 8 बज रहे हैं और फिर अभी चलते हैं हम लोग, खाना वाना खाते हैं, और आज गाइस काफ़ी घूमे हैं, पूरा पैर वगैरह दर्द कर रहा है और काफ़ी मज़ा आया, और लौंगलता समोसा भी खा लिए हम लोग। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।